हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी की यूनिट नाइन्थ बायोटेक्नोलॉजी के नीट 2019 के एम इस यूनिट में दो चैप्टर आते हैं और हम हर एक क्वेश्चन को ये देखेंगे कि वो एन से आया हुआ है और अगर वो एन से आया है तो किस पेज नंबर और किस लाइन से आया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इलेवंथ चैप्टर से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस तो इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आए थे टू क्वेश्चन आए थे तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्श एंडो न्यूक्लियस आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट यानी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के करेक्ट्रिस्टिक्स दिए हुए हैं हमें इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो फर्स्ट ऑप्शन है द एजाइम काट डन ए मोलिक्यूल एट आइडेंटिफाई पोजिशन विद इन द डीएन ए सेकेंड है द एन्जाइम बाइंड डी एन एट स्पेसिफिक साइड एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रेंड थर्ड स्टेटमेंट एट द एंजाइम कट सुगर फोस्पेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रेंड एंड फोर्थ एट द एंजाइम स्पेसिफिक रिकोगनाइजिफिकोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए तो देखिए यहाँ से हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा द एंजाइम बाइंड डी एन एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्टैंड जी नहीं कट्स ईच ऑफ द टू स्ट्रेंड आएगा हर एक स्ट्रेंड को कट किया जाता है केवल वन स्ट्रेड को नहीं तो यहाँ पे ये जो वन लिख दिया इसकी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड अब एनसीआर में देख लेते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा पेज नंबर वन पर वन पर जब हम ऊपर ही ऊपर स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को तो यहाँ पे देखिए थर्ड पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए

तो इसीलिए वो जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी ओनली वन स्पेसिफिक तो यहाँ पे इसीलिए उसको जो है वो इन करेक्ट स्टेटमेंट हमने कहा था तो इसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोविंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स ओके तो इनमें से किसक हम यूज करते हैं अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है एंजाइम्स का बहुत लार्ज स्केल पे तो ऑप्शन है बी ओडी इंक्यूबेटर स्लज डाइजेस्टर इंडस्ट्रियल ओवन या फिर बायो रिएक्टर्स तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो तो आएगा ऑप्शन फोर्थ बायो रिएक्टर्स को हम यूज करते हैं अब एनसीआर में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर टू जीरो फोर पर टू जीरो फोर पर भी जब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही बायो रिएक्टर के बारे में लिखा हुआ है स्मॉल वॉल्यूम करचर कैन नॉट बी इल्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज टू प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायो रिएक्टर्स वे लार्ज वॉल्यूम हंड्रेड टू थाउजेंड लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसीड वाज़ रिक्वायर्ड दस बायो रिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एनवे इन विच रॉ मेटीरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इंटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल डिविजल एनजाइम्स एक्सेट्रा तो यहाँ पे जो हम ज़्यादा अगर हमें वॉल्यूम लार्ज वालीम के अंदर प्रोडक्ट्स क्रिएट करना है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं ये प्योर NCRT की स्टेटमेंट है जो सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से वहां से भी टू क्वेश्चन आए हैं चैप्टर से तो हमारी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस तो हमें गोल्डन राइस के लिए बिल्कुल जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है फर्स्ट है इट इज ए विटामिन एन रिच विद जीन फ्रॉम डेफोडिल सेकेंड है इट इज ए पेस्ट रजिस्टेंस विद जीन फ्रॉम बेसिलेस थ्रंजाइनिस थर्ट है इट इज ड्रोट टॉलरेंट डेवलपिंग यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम फैक्टर एंड फोर्थ है इट हैज़ येलो ग्रेंड्स बिकॉज ऑफ ए जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए प्रीमियटिव वेराइटी ऑफ राइस तो यहाँ पर हमें गोल्डन राइस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इट इज विटामिन ए इनरिच तो जो गोल्डन राइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो विटामिन ए इनरिचड होता है विद ए जीन फ्रॉम डेफोडिल ओके तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है अब एनसीआर टी में देख लेती है इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर टू जीरो एट पर तो यहाँ पर देखिए ये जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में फाइव पॉइंट्स लिखे हैं तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट के अंदर ही लिखा हुआ है देखिए इन्ेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड एग्जाम्पल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए इन रिच राइस यानी जो गोल्डन राइस होता है उसके अंदर विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है अब यहाँ पर जो ये आगे इन्होंने लिखा है किसके बारे में डेफोडिल तो डेफोडिल जीन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है बट ये जो है वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है कि इट इज विटामिन ए इन जो कि साफ साफ एनसीआरटी में लिखा हुआ है तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है ओके okay. तो जो हमारा इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटोक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थ्रंजाइनस इन द बोलव तो यहाँ पे बोलवम के अंदर इन्होंने पूछा है कि जो हमारा प्रोटोटोक्सिन होता है इनएक्टिव फॉर्म उसको एक्टिव कहाँ पे किया जाता है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं बॉडी टेम्परेचर मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट एल्काइन पी ऑफ गट या फिर एसिडिक पी ऑफ स्टोमक तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर आएगा वो तो आएगा एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट जो एल्कलाइन पीएच होता है उसकी वजह से वो प्रोटोटॉक्सिन से टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव हो जाता है अब एनसीआर में देख लेते हैं इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी सेम इसी पेज नंबर पे है 208 पर तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टोक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पी एच ऑफ द गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टलाइज तो यानी जो पहले इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होता है उसको एक्टिव टॉक्सिन किस की वजह से क्रिएट होता है वो क्योंकि जो उसका एल्कलाइन पी एच होता है गट का उसकी वजह से वो ऐसा एक्टिव हो जाता है तो ये साफ साफ लिखा हुआ है ड्यू टू द एल्कलाइन पी एच ऑफ द गट और इसीलिए यह हमारा आंसर आया था ओके okay? तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए धन्यवाद